Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Basic accounting से related एक नए video lecture के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो video lecture है वो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा कहना चाहिए important हैसियत का हामिल है, खास तौर पर उन students के लिए जो accounts से related अपनी base को strong करना चाह रहे हैं। Last video lecture के अंदर याद करें students, हमने आपको heads of accounts से related information दी थी कि अकाउंटिंग के अंदर टोटल हेड्स ऑफ अकाउंट्स 5 होते हैं। एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल है, एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यूज हैं। ये टोटल 5 हेड्स हैं और इन्हीं 5 हेड्स में आज हम वेरी फर्स्ट हेड अपने वादे के मुताबिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो जो हेड स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिकली एसेट्स। और एसेट्स के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करंट एसेट्स को डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स को इंशाल्लाह ताला डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सबसे पहली बात तो ये है कि एक दफ़ा फिर एक हल्का सा ओवरव्यू हो जाए कि एसेट से क्या मुराद है। एसेट से मुराद दरअसल वो सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं, सारे के सारे वसाइल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फराहम करें। इसका मतलब ये हुआ, हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ऑल दोज रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज एसेट्स। इन्हीं एसेट्स को उर्दू में बोला जाएगा असासे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के वो असासे होते हैं। उनको हमने दो हिस्सों में बेसिकली तकसीम कर दिया है। एक है आपके पास करंट एसेट्स, जैसे कि बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, और एक है आपके पास फिक्स एसेट्स। सबसे पहले हमें देखना चाहिए करंट और फिक्स से क्या मुराद है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताऊँ कि जो करंट एसेट्स होते हैं उनका एक नाम और भी आप उनको करार दे सकते हैं कि वो हो जाएंगे नॉन फिक्स एसेट्स। आपको सामने बोर्ड पर नजर आ रहा होगा ये फिक्स है, इनका नाम पढ़ सकता है या इनको आप पुकार सकते हैं नॉन फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स या नॉन फिक्स्ड एसेट्स से क्या मुराद है वो समझते हैं। इसके अंदर टोटल 3 बातें हो सकती हैं कि या तो जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर कोई चीज़ वो एसेट जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, या ये हो सकता है कि वो कैश के अंदर कंज्यूम हो जाए, जिसको आप कह सकते हैं कि यूज हो जाए, और ये भी विद इन 1 ईयर ही कहलाएगा, 12 महीने के अंदर अंदर। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि वो जो है वो फरोख्त हो जाए, यानी कि बिक जाए विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। इसका मतलब ये निकला कि आप करंट एसेट्स को ये कह सकते हैं या तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 ईयर, 12 महीने के अंदर अंदर, या दूसरी सूरत है कि वो इस्तेमाल हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन खुद ही उसको यूज़ कर ले। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको बेच दे विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। इन तीनों बातों को देखेंगे इन एग्जांपल्स के अंदर कि कहाँ कहाँ वो फिट बैठ रही है, और दोबारा से इस एग्जांपल को इंशाल्लाह ताला इससे टैली करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिक्स एसेट्स से क्या हो रहा है। फिक्स एसेट्स वो होंगे जो कि मोर देन 1 ईयर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचा रहे होंगे, जिसकी तफसीलात इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड की जाएगी। करंट एसेट्स से जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है इसकी एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको नजर आ रहा होगा कैश लिखा हुआ है या कैश इन हैंड लिखा हुआ है। कैश बोले कैश इन हैंड बोले दोनों का एक ही मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के पास उनके ऑफिस में कुछ ना कुछ कैश मौजूद है, कुछ ना कुछ पैसा मौजूद है। वो पैसा करेंसी नोट की सूरत में भी हो सकता है, क्वाइंस की सूरत में भी हो सकता है। तो वो जो कैश मौजूद है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए करंट एसेट कहलाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो करंट एसेट के अंदर क्या हो सकती है, एक तो या तो बैंक आप उसको नाम दे सकते हैं या कैश इन बैंक का नाम दे सकते हैं। कैश इन बैंक का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बैंक के अंदर अपना एक अकाउंट ओपन किया हुआ है और उस अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कैश मौजूद है, तो जितना भी कैश मौजूद है वो कहलाएगा कैश इन बैंक। कैश इन बैंक बोले या सिंपल वर्ड्स में आप बैंक बोलिए, दोनों का एक ही मतलब है स्टूडेंट्स। और ये बैंक जो है या कैश इन बैंक जो है ये भी करंट एसेट कहलाता है, यानी सिंपल वर्ड्स में कैश और बैंक को ऑल्टरनेट जो है वो यूज किया जा सकता है कि अगर पैसा जो बैंक में मौजूद है वो भी बिल्कुल हार्ड कैश की मानंद होता है, किसी भी वक्त आप निकलवा सकते हैं। आपको पता है इस वक्त अब जो है वो एटीएम की सहूलत होती है और एटीएम से आप 24 आवर्स जो है 24/7 जिसको कहा जाता है आप पैसा निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत समझने वाली है और उसका नाम क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। इसी अकाउंट रिसीवेबल का एक नाम और भी है डेटर्स। इस वर्ड के अंदर डेटर के अंदर ये जो बी है स्टूडेंट्स, इस बी की आवाज़ नहीं आएगी, इसको कभी भी आप डेप्टर्स नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है या अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, नाम से जाहिर है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है कि अगर आज की तारीख में मैंने किसी पार्टी को कुछ माल बेचा हुआ है, कुछ गुड्स बेची हुई हैं,
उधार के ऊपर बेची हुई है, तो इसका मतलब वो कुछ टाइम गुजरने के बाद वो पार्टी लायबल है, पेबल होगा कि वो मुझे पेमेंट करे जितना कि अभी मैंने उसको माल बेचा है। इसका मतलब वो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है मेरे एंड पर, मिस्टर अली अहमद के एंड के ऊपर कहलाएगा रिसीवेबल। रिसीवेबल क्यों कहलाएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि मुझे उस पार्टी से पैसे लेने हैं, जब मुझे उस पार्टी से पैसे लेने हैं क्योंकि मैंने माल जो बेचा हुआ है, गुड्स जो बेची हुई है, स्टॉक जो बेचा हुआ है वो उधार भी बेचा हुआ है और उसके पैसे अभी मुझे उसने नहीं दिए। वो बोलता है पेमेंट कब करूंगा, जब मैं उसे पूछता हूँ कहता भाई 2 महीने बाद करूंगा, 3 महीने बाद करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा। याद रखिएगा विद इन 1 ईयर होगा, 1 साल के अंदर अंदर। तो अगर 1 साल के अंदर अंदर है तो उसको बोलेंगे कि मुझे उस पार्टी से पैसा रिसीव करना है। एक खास बात इसके बारे में बताऊं कि अकाउंट रिसीवेबल या डेटर जो होता है वो दरअसल ओरल एग्रीमेंट होता है। बताएं स्टूडेंट्स इसको ओरल क्यों कह रहे हैं? ओरल एग्रीमेंट इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर फर्ज करिए वो पार्टी जिसको हमने माल उधार पे बेचा है वो पार्टी पेमेंट देने से इनकार कर दे, कहती है भाई हमने तो तुमसे कोई माल ही नहीं खरीदा, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है कौन सा माल कैसा माल, तो इसका मतलब वो हमारा उसका जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है, जो माल बेचा है हमने, वो ओरल है, जबानी कलामी है। ऐसी सूरत में हम उसके खिलाफ जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई करने के काबिल नहीं होंगे क्योंकि वो हमको जो है वो एक तरह से झुठला रहा है और वो मुकर गया है कि हमने उससे माल नहीं खरीदा, यानी कि उसने हमसे माल नहीं खरीदा, हमने उसको माल नहीं बेचा है। ऐसी सूरत में हमको इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कस्टमर से निपटने के लिए हमारे पास एक और भी हरवा है जिसको हम बोलते हैं नोट रिसीवेबल। ये जो नोट रिसीवेबल होता है स्टूडेंट्स, ये कहलाता है लीगल एग्रीमेंट। लीगल का क्या मतलब होता है? कानूनी एग्रीमेंट बन जाता है, लिहाजा इसको हम नाम देंगे लीगल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कहते हैं मुआहदा। लीगल एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर वो पार्टी जिससे हमने लीगल एग्रीमेंट कर लिया, अगर वो पार्टी पेमेंट देने से इनकार करे तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि हम उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ये कहलाएगा लीगल एग्रीमेंट। लेकिन ओरल एग्रीमेंट में क्या होता है? हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा क्योंकि उसने तो हमें झुठला दिया। लेकिन याद रखिएगा भले अकाउंट रिसीवेबल हो भले नोट रिसीवेबल हो, ये दोनों के दोनों जो है वो विद इन 1 ईयर कन्वर्टेबल इंटू कैश होते हैं, कैश में कन्वर्ट होने के काबिल है। फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि अकाउंट रिसीवेबल एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि ज़बानी होता है, लेकिन इस सूरत में अगर वो आपको छुटलाता है तो आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन पैसा वो आपको बहरहाल 1 साल के अंदर अंदर देगा। जैसे बहुत सारे आपको पता होगा दुकानदार होते हैं उधार के ऊपर माल बेचते हैं, परचून का माल जो है वो उधार के ऊपर फरोख्त करते हैं, तो उनको पेमेंट जो है वो विद इन 1 ईयर हासिल हो जाती है। जब दुकानदार उधार पे माल बेचते हैं तो उनके लिए रिसीवेबल कहलाता है, और जिन लोगों ने माल उधार पे ख़रीदा है उनके लिए कहलाता है पेबल, क्योंकि उनको पेमेंट दुकानदार को करनी होती है। नोट रिसीवेबल मैंने अभी आपको बताया कि ये लीगल एग्रीमेंट बन जाता है, कानूनी मुआहदा बन जाता है। बिल रिसीवेबल, अच्छा एक छोटी सी बात, ये जब भी लफ्ज रिसीवेबल आए तो समझ जाइएगा आँख बंद करके कि वो बेसिकली आपका एसेट होता है। क्यों? क्योंकि रिसीवेबल का मतलब होता है आपको पैसे लेने हैं, और अगर पैसे लेने हैं, पैसे लेने के काबिल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके लिए असासे की हैसियत रखता है, क्योंकि वो आप इस बुनियाद पर असासा है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ ना कुछ उसको फराम कर रहा है। और क्या फराम कर रहा है? कि वो चीज़ कैश में कन्वर्ट होने के काबिल है, और जो जो चीज़ें कैश में कन्वर्ट होने के काबिल हैं वो मैंने आपको बताया कि अकाउंट रिसीवेबल हो, नोट रिसीवेबल हो, बिल रिसीवेबल हो, ये तीनों के तीनों आप कह सकते हैं ये तीनों एग्जाम्पल्स बन रही हैं किसकी, एक कन्वर्टेबल इंटू कैश विद इन 1 ईयर। मैंने आपसे कहा था एग्जाम्पल्स पे इसको अप्लाई करके देखेंगे, कैश में कन्वर्ट होने के काबिल हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी उसमें एग्जाम्पल के तौर पर? अकाउंट रिसीवेबल भी शामिल है, कैश में देखिए कन्वर्ट हो जाता है 12 महीने के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। नोट रिसीवेबल 12 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा। बिल रिसीवेबल में क्या होगा कि फ़र्ज़ करें सप्लायर ने जो है गुड्स फराम कर दी हैं कस्टमर को, लेकिन उसके एवज में भी उसको पैसे हासिल नहीं हुए हैं, पैसे उसको नहीं मिले, लेकिन उसके पास कोई ऐसा एविडेंस मौजूद है, कोई ऐसा प्रूफ मौजूद है जिससे वो ये कह सकता है कि भाई मैंने पार्टी को माल बेचा हुआ है, तो उसके लिए यानी कि जिसने माल बेचा है, फरोख किया है, उसको दूसरी पार्टी से रिसीव करना है पैसा। जो पैसा रिसीव करना है तो उसके लिए क्या लगेगा? बिल रिसीवेबल। और जिसको पेमेंट करनी है उसके लिए क्या क्या लगेगा स्टूडेंट्स? बिल पेबल। क्या सीखा आपने? अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स बन जाएंगी 1 की, कि कैश में कन्वर्टेबल है 1 साल के अंदर अंदर। याद रखिएगा विद इन 1 ईयर का बहुत ख्याल रखना है, 12 मंथ्स का टोटल टाइम पीरियड है,
जिसमें कन्वर्टेबिलिटी को हमें देखना है। दूसरी बात, जुमला क्या लिखा हुआ है कि करंट एसिड की जो डेफिनेशन है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो यूज हो जाए या फिर कंज्यूम हो जाए विद इन 1 ईयर। 12 महीने के अंदर अंदर ऑर्गेनाइजेशन उस एसिड को यूज कर लें। ज़रा सारी लिस्ट को देखें, मुलाहिजा करें और मुझे बताएं कि कंज्यूम या यूज विद इन 1 ईयर कौन सा हो सकता है। तो उसका जवाब ये है कि वो जो है वो हो सकता है हमारे पास सप्लाइज। सप्लाइज देखें या स्टेशनरी देखें, ये 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होने के काबिल तो बहरहाल नहीं कहलाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहलाएगा कि कंज्यूम हो सकता है या फिर यूज़ हो सकता है विद इन 1 ईयर। सप्लाइज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं स्टूडेंट्स? अगर हम ऑफिस सप्लाइज की बात करें, उसमें पेंसिल आ जाएगी, रबर है, शार्पनर है, स्केल है, लूज पेजेस हैं। उसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ें, स्टेशनरी का जितना भी सामान है, फाइल्स हैं, थंब पिन है, स्टेपलर है, स्टेपलर की पिन्स हैं, आपका अलग अलग करे दूसरी वो तमाम चीज़ें जो ऑफिस के अंदर वर्क में यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सप्लाइज में आ जाती हैं। और ये जो सप्लाइज में आ जाती हैं, इसी का एक नाम और क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी बोलें, सप्लाइज बोलें, ये दोनों के दोनों करंट एसेट के पार्ट हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे तो क्या होगा कि ये यूज़ हो जाते हैं या कंज्यूम हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर। आपको बताएं पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, 1 साल तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, आराम से चंद महीनों के अंदर कंज्यूम हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो तो चंद हफ्तों के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। और किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है कि आपने उसको यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया, इस्तेमाल कर लिया। सोल्ड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपने उसको बेच दिया, फरोख्त कर दिया। पता है इनमें से कौन सा हो सकता है एक करंट एसेट के तौर पर उसको लिया जाएगा? उसका जवाब है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बोलें, सिर्फ इन्वेंट्री बोलें, सिर्फ स्टॉक बोलें, सबका एक ही मतलब है। उर्दू में इसको क्या बोला जाएगा? सामान तिजारत। सामान तिजारत का क्या मतलब हुआ? तिजारत का सामान। और तिजारत क्या होती है भाई? तिजारत का मतलब होता है हर वो चीज जिसको आपने खरीदा हो इस मकसद से, इस नियत से, इस इरादे से कि आगे जाके आप उसको बेच देंगे, फरोख्त कर देंगे, तो वो चीज़ जो आपने ख़रीदी है वो कहलाता है स्टूडेंट सामान्य तिजारत। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे इंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, बीकॉम की बात कर रहा हूँ, बीबीए की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि हद बात एमबीए की बात कर रहा हूँ कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का उनको कंसेप्ट ही स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता कि जनाब मेरी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से मुराद ये हो जाएगा कि अगर आपने किसी चीज़ को ख़रीदा है और आपकी नीयत ये है कि आप उसको बेचेंगे, फरोख्त करेंगे, तो वो आपके लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहलाएगा। एक छोटा सा मिसाल, एक छोटी सी आपसे एग्जांपल शेयर करूं। बताइए क्या ये जो बोर्ड हमने यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट द लर्निंग पॉइंट के लिए, तो क्या ये हमारे लिए कहला सकता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री? जवाब है कभी भी नहीं कहला सकता। क्वेश्चन है क्यों नहीं कहला सकता? क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है? हर वो चीज़ जिसको आपने परचेज किया है इस नियत से कि आगे जाके बेचेंगे, वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। बताएं क्या ये बोर्ड जब हमने परचेज किया था तो क्या हमारी नियत थी कि इसको बेचेंगे? जवाब है नहीं। फिर नियत क्या थी? नियत थी इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि अभी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी नियत इसको इस्तेमाल करना है, बेचना नहीं था जब हमने ख़रीदा था, तो अब ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के ज़ुमरे में नहीं आएगा। स्टूडेंट्स को मैं जानबूझ के 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट गलत जवाब देते हैं। मैं बोलता हूँ भाई फ़र्ज़ करें कि आज की तारीख में मैंने ये फैसला कर लिया इस बोर्ड को मुझे बेचना है। लेट सपोज 1000 रुपये का मैंने बोर्ड ख़रीदा, कोई बंदा मुझसे कहता है भाई इस बोर्ड को मैं 3000 रुपये में ख़रीदने को तैयार हूँ। बताएं अकलमंदा ना फैसला मेरे लिए क्या होगा, बोर्ड को बेच देना या ना बेचना? आप बोलेंगे सर बेच देना अकलमंदा ना फैसला है, क्योंकि पुराना बोर्ड जिसको आप पिछले कई साल से यूज़ कर रहे हैं, 1000 रुपये का ख़रीदा था, ऐसा वो 3000 रुपये में ख़रीदने को तैयार है, बेच दें फ़ायदा ही है, 2000 रुपये यहाँ से कमाएं और नया बोर्ड ख़रीद लीजिएगा, 2000 रुपये की बचत अलग है और बोर्ड अलग मिल जाएगा आपको। तो बताएं अगर ऐसा बोर्ड जिसको मैंने पिछले कई साल पहले ख़रीदा था लेट सपोज 1000 रुपये में, आज की तारीख में कोई मुझे 3000 रुपये इसी बोर्ड के देने को तैयार है और मैं बेचने को तैयार हो जाता हूँ, तो क्या ये बोर्ड मेरे लिए या मेरे इंस्टीट्यूट के लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की हैसियत रखेगा या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जो उसका स्टेटस है वो हासिल कर लेगा? जवाब है किसी भी सूरत में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये बोर्ड नहीं बन सकता। सवाल,
क्यों नहीं बन सकता, मैं तो बेच रहा हूं। तो जवाब यह है कि आप यह बताइए, यानी मुझसे पूछा जाएगा कि आप यह बताइए कि जब आपने ये बोर्ड खरीदा था तो क्या बेचने की नियत थी, बेचने का इरादा था आपका? मैं बोलूंगा नहीं, बेचने का तो इरादा नहीं था, मैं तो इस्तेमाल का इरादा था, आज बेच रहा हूँ। इट मीन्स दैट अगर बेचने का इरादा उस वक्त नहीं था जब आपने खरीदा है, तो ये बोर्ड आपके लिए तीन की, अगर आप 30,000 रुपये में बेच दें तब भी आपके लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एस्पेक्ट बता रहा हूँ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से रिलेटेड, उम्मीद है आपको बेहतर तौर पर समझ में आया होगा। एक दो बातें और शेयर कर लेता हूँ। गोश्त वाले के लिए जो गोश्त होता है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होता है, क्यों? क्योंकि उसने गोश्त जितना भी अपनी दुकान पर रखा हुआ है बेचने के लिए। बेकरी वाले के लिए जितने भी आइटम्स हैं वो उसके लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, क्यों? सारे के सारे बिस्किट, डबल रोटी, अंडे, पापे, खाने के लिए उसने नहीं रखा है, बेचने के लिए रखा है, इसका मतलब वो उसके लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। दूध वाले के लिए दूध हो, दही हो, मक्खन हो, ये सारे के सारे आइटम्स जो उसके लिए क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, क्यों? क्योंकि उसने खरीदा या उसने तैयार किया, नियत क्या है, बेचना। इट मीन्स दैट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो आइटम कहलाएगा जिसको आपने खरीदा हो इस नियत से कि आप उसको एज इट इज बेच देंगे, या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके लिए कहलाएगा कि आपने खरीदा है, खरीदने के बाद आपने उसको तैयार किया, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर आपका नियत, आपका इरादा है बेचने का, तब भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बेहतर इंशाल्लाह समझ में आया होगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई यहाँ पर कि या तो कैश में कन्वर्ट हो जाए एक साल के अंदर अंदर, जिसकी हमने आपको मिसाल दी, अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है, नोट रिसीवेबल हो सकता है, बिल रिसीवेबल हो सकता है, वो करंट एसेट कहलाएगा, या वो कंज्यूम हो जाए या यूज हो जाए विद इन वन ईयर, एक साल के अंदर अंदर आप उसको यूज कर लें। इसकी मिसाल हमने क्या दी आपको, सप्लाईज की मिसाल दी या स्टेशनरी की मिसाल दी, दोनों का एक ही मतलब है। या फिर ऐसा भी हो सकता है सोल्ड हो जाए, बिक जाए, फरोख्त हो जाए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन उसको बेच दे, और विद इन वन ईयर, एक साल के अंदर अंदर। इसकी मिसाल हमने आपको क्या दी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थोड़ा सा मैं तफसील में चला गया, लेकिन उम्मीद है कि आपको इससे फायदा ही हुआ होगा। अब जो जो आइटम्स रह गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक आइटम रह गया हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज से मुराद स्टूडेंट्स ये होगा कि बहुत सारे ऐसे भी एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कि जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करती है। इसको आप नाम दे सकते हैं, बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से ही लिखा हुआ होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स सरमायाकारी को। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अलील मुद्दत का क्या मतलब होता है, विद इन वन ईयर, 12 मंथ्स के अंदर अंदर। लॉन्ग टर्म जाहिर सी बात है मोर देन वन ईयर हो जाएगा। अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज याद रखिएगा मोर देन वन ईयर की भी हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं करंट एसेट की, तो हम जब करंट एसेट की बात करेंगे तो हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, इन्वेस्टमेंट कहना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की कोई मिसाल ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की मिसाल जैसे कि शेयर्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के, मुख्तलिफ कंपनीज के, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स के अंदर अगर आपने, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो जिस कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं तो खरीदने वाले के लिए वो कहलाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बेचने वाले की बात नहीं कर रहा, खरीदने वाले के लिए, जिस कंपनी ने, जिस इदारे ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो खरीदने वाली कंपनी के लिए जो शेयर्स उसने खरीदे हैं, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो खरीदने वाली कंपनी के लिए कहलाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्यों कहलाएगा? क्योंकि उन शेयर्स को आसानी मार्केट के अंदर खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। नाम से जाहिर है मार्केटेबल, मार्केट के काबिल है वो सिक्योरिटीज, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, शेयर्स जो हैं आपको पता है वो भी मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। शेयर्स के अंदर वो ऑर्डिनरी शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, दोनों शेयर्स जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आता है। इसके अलावा एक और मिसाल आप दे सकते हैं कि जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो क्या करता है, ट्रेजरी बिल्स को जो है वो फरोख्त करता है, और आमतौर पर उन ट्रेजरी बिल्स को जो कमर्शियल बैंक्स वगैरह होते हैं वो परचेज कर लेते हैं। मुख्तसर मुद्दत के लिए होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 2 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते से कुछ टाइम ज़्यादा के लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, मार्केट वो जो कह लीजिए कि अल्लाह भला करे ट्रेजरी बिल्स हैं उनको वो फरोख्त करता है, और फरोख्त करने के बाद
दो हफ्ते के बाद उनको, या फॉर एग्जाम्पल दो हफ्ते के लिए अगर मुद्दत है, तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट जो है वो अदा कर देता है। किनको इंटरेस्ट अदा कर देता है? उन कमर्शियल बैंक्स को। तो कमर्शियल बैंक्स के लिए वो कहलाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ने बेसिकली इन्वेस्टमेंट की है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है, दो हफ्ते के लिए की है, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन के लिए की है, और 10 दिन के बाद उनका जो पैसा है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो जो सिक्योरिटी है उनकी वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में, कैश के अंदर। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक दो बातें रह गई उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगली चीज़ है हमारे पास करंट एसेट के अंदर प्री पेड एक्सपेंस। ख्याल रखिएगा ये परी नहीं है, प्री है, सही? बहुत सारे लोग परी के चक्कर में रहते हैं, ये प्री है, प्री पेड एक्सपेंस। इसको समझते हैं जरा, प्री का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? बहुत आसान सी बात, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। मेडिकल लाइन में जाने से पहले की 2 साल की तालीम जो इंटर प्री मेडिकल कहलाता है। प्री इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने से पहले की 2 साल की तालीम, ये कहलाता है प्री इंजीनियरिंग। उसको प्री कहते हैं क्यों है? क्योंकि अभी स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कदम नहीं रखा, अभी स्टूडेंट ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, उससे पहले की जो तालीम है वो कहलाती है प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। सेम ये कंसेप्ट यहाँ पर है, प्री पेड पे जो आपने कर दिया वो पहले से कर दिया। पहले का मतलब होता है इन एडवांस, पहले से अदायगी कर दी गई। जैसे फर्ज करें आमतौर पर जो तालीमी इदारे होते हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट से फीस जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं इन एडवांस, जो एडवांस में कलेक्ट कर लेते हैं। तो जिस पार्टी ने पैसे पे किए हैं उस पार्टी के लिए वो कहलाएगा, यानी कि स्टूडेंट के लिए कहलाएगा प्री पेड। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ने एडवांस में पैसे अदा कर दिए और स्टूडेंट के लिए अब एसेट की हैसियत रखता है वो पैसा जो उसने पे कर दिया। क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि स्टूडेंट की जेब से तो पैसा चला गया, तो एसेट किस बात का भाई? तो उसका जवाब ये है कि स्टूडेंट के लिए वो एसेट इसलिए बन गया क्योंकि अब स्टूडेंट पैसा एडवांस में पे करने के बाद उस इदारे से ये कह सकता है, अगर वो इदारा क्लास नहीं ले रहा, कह सकता है कि जनाब हमने जो पैसे आपको दिए थे उस पैसे के एवज में आप हमें हमारी क्लासेस ही कंडक्ट नहीं करवा रहे, या आए दिन छुट्टियाँ होती हैं। इट मीन्स दैट उस बंदे के पास, उस स्टूडेंट के पास एक कह लीजिए कि उसके पास जो एक हक आ गया, एक उसके पास राइट आ गया कि जनाब वो उससे तकाजा कर सकता है। ये जो राइट है ना, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि उसने एडवांस में पेमेंट कर दी है। एक और मिसाल फर्ज करिए, आप किराए के मकान में रह रहे हैं और किराए के मकान में रहने की हैसियत से आपने मालिक मकान को एडवांस में पेमेंट दी है, आपके लिए यानी कि जो किराएदार है उसके लिए वो क्या रहेगा? प्री पेड, पहले से उसने पे कर दिया। तो अब जब पहले से पे कर दिया तो अब ऐसी सूरत में किराएदार के लिए एक हक आ गया उसके पास कि वो उसके घर में, मालिक मकान का जो घर है उसके घर में उतनी मुद्दत के लिए वो रह सकता है जितनी मुद्दत का उसका मालिक मकान से एग्रीमेंट है। क्या सीखा आपने? कि जब आप प्री पेड हो जाता है आपकी तरफ से, तो आपके पास एक हक आ जाता है और उस हक का नाम है प्री पेड एक्सपेंस होता है, और उस हक का नाम क्या है? तो वो आपका एसेट बन जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि हमारे पास मौजूद है, शॉर्ट टर्म लोन गिवन। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? कि शॉर्ट टर्म का मतलब होता है मुख्तसर मुद्दत के लिए कोई लोन है, कोई कर्जा है, वो आपने किसी पार्टी को दे दिया। तो अगर मुख्तसर मुद्दत के लिए कर्जा आपने किसी पार्टी को दिया हो तो इसका मतलब वो पार्टी आपको पेमेंट यकीनन करेगी। कितने अर्से में करेगी? विद इन 1 ईयर करेगी, 12 महीने के अंदर अंदर करेगी। तो ये आपके लिए एसेट की हैसियत रखता है जो कि करंट एसेट बन जाएगा। बताएं स्टूडेंट्स, जितने भी हेड्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, पहली बात तो ये सारे के सारे हेड्स जो हैं इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि टोटल हेड्स बस यही हैं। ये मैक्सिमम मैंने कवर करने की कोशिश की है, इनके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी और नाम से करंट एसेट हो सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम हेड्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। ये जो आज का हमारा लेक्चर है इसको आप नाम दे सकते हैं बेसिक अकाउंटिंग, ये 5 बन जाएगा, यानी कि 5वां हमारा ये लेक्चर था जो कि हमने बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड किया। किसी किस्म की कोई क्यूरी आपको पेश आए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। प्लस अगर हमारा आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो लाजमी तौर पर इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर पास करें ताकि हमें बेहतर से बेहतर आपके लिए अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने का इंशाल्लाह ताला मौका हासिल हो सके। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने टीचर सर अली अहमद को। अस्सलामुअलैकुम।